हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल चावल। होली आने वाला है तो हम लोग सभी के घरों में तरह तरह के पापड़ बनते ही बनते हैं। तो आज मैं आप सबसे ये चावल के पापड़ की रेसिपी बहुत ही इजी वे में, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर का काम करते करते ये पापड़ बना लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो इजी तरीका क्या है वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। तो ये देखिए, ये मैंने पुराने चावल लिए हैं। अगर हमें चावल का पापड़ बनाना है ना, तो उसके लिए अगर हमारे पास पुराने चावल होंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। तो अभी देखते हैं आगे का क्या इस चावल मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना चावल हम ले रहे हैं पापड़ बनाने के लिए। मेरा 3 कप हो गया है, ये हमने अपने मेजरमेंट से 3 कप लिया है। इसको अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करके इसको 3-4 घंटे के लिए भींगने के लिए छोड़ देंगे। काम करते रहिए, किचन का कुछ काम करिए, इसको धुल करके भींगने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये पानी थोड़ा एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाए। तो भाई आप देख सकते हैं, इसको मैंने 4 घंटे तक पानी में सोक करके रख दिया है, तो अच्छे से अभी फूल चुके हैं। तो अब हमें इसे कुकर में सीटी लगा के पकाना है। तो जो पानी का रेशियो होगा वो जितना भी हमारा राइस है उसका 2.5 गुना, उसका जैसे हमारा 1 कप राइस है तो उसमें पानी हम 2.5 कप डालेंगे, तो उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे। आपका जितना चावल होगा उसका 2.5 गुना हम पानी ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कुकर में चढ़ा देते हैं और हाँ, इसको 3 सीटी तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो हमने चावल को कुकर में डाल लिया है। तो हमारा मेज़रमेंट क्या था, इससे हमने 3 कप चावल लिया था, तो उस हिसाब से हम 7.5 कप डालेंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं। थोड़ा ऊपर तक पानी मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, तो गाइस इस चावल को मैंने 3 सीटी लगा दिया था, मैंने बताया था, और ये देखिए पूरी तरह से मेरे चावल पक गए हैं, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया। तो अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आइए देखिए, तो इसको देखिए मैंने बड़े से बर्तन में, कुछ ज़्यादा ही बड़े बर्तन में हम लोगों ने निकाल लिया है। ये पक गया है, इसमें नमक और खाने वाला सोडा ऑलरेडी तुमने मिक्स किया था ना। हाँ। तो अब टेस्ट के हिसाब से आपको मिर्ची खाना है तो थोड़ी मिर्ची मिला लो, मिर्च वगैरह काली मिर्च भी मिला सकते हो, बट मेरे यहाँ बच्चे नहीं ज़्यादा लाइक करते तो मैं सादा नमक और ये मंगरेला मिलाती हूँ। मंगरेला को साथ में आप लोग नहीं उबालिएगा, नहीं वो काफी फूल जाएगा और ये चावल का कलर भी ब्लैक ब्लैक सा होता है तो खराब हो जाता है, तो इसको आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्ची खाते हैं तो लाल पत्ती वाली मिर्ची भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये मुझे अपने छोटे छोटे मेरे जो ग्रैंड चाइल्ड हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट रहेगा और वो लोग ऐसे आराम से पकड़ खा सकते हैं, तो मिर्ची हमने नहीं ऐड किया। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि आसानी से हम ले करके इसका छोटा छोटा बाउल बना सकते। इसको हमने अच्छे से मिला लिया है मंगरेला को, नमक ऑलरेडी मिला था और ये थोड़ा गीला ही है, तो गीला रहेगा तो अच्छे से छोटे छोटे बॉल बनेंगे और सॉफ्ट भी रहेगा। अगर ज़्यादा सूखा हो जाएगा ना तो वो चावल अलग अलग दिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने खड़े चावल का बना रहे हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप भिंगा के रख दीजिए, उबालिए, फटाफट निकालिए और ऐसे ऐड करके आप जैसे आलू का पापड़ बनाते वैसे करेंगे, वैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। धूप में पापड़ बनाएंगे, उस आलू के टाइम पे हम लोग उधर ही बना लिए थे, लेकिन
ये जल्दी से सूख भी जाता है एक दिन में। तो ये देखिए हमने बड़ी से शीट लगा दी है प्लास्टिक की, और वही सेम प्रोसेस होगा जैसे आलू का बनाया था, बॉल बना लेंगे। थोड़े छोटे छोटे बनाने हैं अगर तो छोटा करेंगे। बस देखिए आराम से ये निकल आएगा बाहर। तो यही प्रोसेस है सारा, हम बॉल बना लेंगे। तो गाइस ये देखिए धूप का फल नमकीन होता है। धूप में बन रहा है तो हमें नमकीन शाम तक खाने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए इतना सारा बन चुका है और अभी ये इतना मटेरियल इधर बचा। फटाफट हम लोग ये भी बना लेते हैं, फिर पूरा बना के मैं आप सबको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली हमारे सारे चावल के पापड़ बन के रेडी हो चुके हैं। तो अभी इनको सूखने देंगे, शाम तक ये बहुत ही अच्छे से सूख के हम निकल आएंगे। तो शाम को देखते हैं फिर। गाइस देखिए ये मेरे पापड़ काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। तो एक बार जब ये सूख जाए तो इसे हम दूसरी साइड करके फिर धूप दिखा देंगे, तो ये और अच्छे से भी सूख जाएंगे। तो चावल का पापड़ सूखने में 2 दिन लगता है, तो हम इसे कल भी धूप दिखाएंगे, तब तक ये पूरे सूख जाएंगे। तो गाइस देखिए आज दूसरा दिन है और हमारे पापड़ कितने अच्छे से सूख चुके हैं। अब मैं इनको तेल में फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरे पापड़ सूख चुके हैं। बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए, ये देखो, ये का तो बहुत जल्दी सब सीख जा रही है हम लोग के साथ साथ। वेरी गुड। तो गाइस तो चलिए अब इसको हम तेल में फ्राई करते हैं, फिर इसका टेस्ट देखते हैं लोगों को कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। तो हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई इंडक्शन में मैंने चढ़ा दिया है, उसमें तेल डालने के लिए। पर्सनली बहुत पसंद है चावल का पापड़, चावल से और भी कुछ कुछ चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस अभी तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, पापड़ के लिए तेल बिल्कुल गर्म ही चाहिए, तो हम डाल देते हैं। तो गाइस आई होप आप सबको मेरी ये पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो, तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए पूरा अच्छे से फुल जा रहा है और इसकी साइज भी बड़ी हो जा रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के। गाइस देखती हूँ विक्रम जी को पसंद आती है कि नहीं आती है, कैसी लगती है। टैंटा कैसे लगी? नमक सब सही है, टेस्टी है, नमक वमक भी सब सही है, परफेक्ट है। रिकमेंड कर सकते हैं व्यूअर्स को? हाँ जरूर, ये टेस्टी पापड़ मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा। मैं आप लोग को भी यही सजेशन दूँगा, होली आ रहा है, जाइए मस्त चावल का पापड़ बनाइए, आलू का पापड़ बनाइए, हमारा वीडियो देखिए, रेसिपी देखिए, उसमें से बनाइए और आप लोग जो है अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। बाय गाइस, अगर और आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। बाय गाइस। और इशिका के लैंग्वेज में घंटी बेल बजाना ना भूलें। बाय।